Hyderabad House sent Karachi Farmer पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट किया था और इस उम्मीद के साथ जैसा कि आपके डायरेक्टर प्रिंस आपने बताया कि आप सभी फील्ड में जाएंगे कोर्सेज कर रहे हैं पास किया है आगे इस वक्त का मुस्तकबिल जैसे मैं कहता हूँ वो आप ही लोगों के हाथ में और खास तौर पर अगर बात एफडीआर की हो रेवेन्यू कलेक्शन की हो तो बड़ी अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो आप ही लोगों के कंधों पर है लेकिन मैं सिर्फ आपसे दो तीन बातें करूंगा कि आज आपने गवर्नर हाउस आकर जो एक विजिट किया है जिसमें आपने आईटी पार्टी में गए या आपने देखा होगा कि बाहर लोग उनका रश है या लोग आ रहे हैं तो जैसे कि उन्होंने कहा कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से इस पूरे सूबे का जो जिसे हम कह सकते हैं कि सरबरा जो है प्रोविंस का वो गवर्नर होता है और मेरे यहाँ आने से पहले ये जो ऐवान सदर रोड है जो हमारा दरवाजा आपने देखा होगा ये रेड जोन डिक्लेयर था यहाँ कोई मोटरसाइकिल बस या कोई बंदा वो जो एक कहावत है कि पर नहीं मार सकता लेकिन मैंने और मेरी टीम ने यहाँ जब इस मनसब को आज से दो साल पहले मैंने आके संभाला तो दो तीन चीजों पर मैंने गौर किया और वो क्या है वो ये तीन के सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम पाकिस्तानी और जब आदमी ये समझना शुरू कर दे कि ये पाकिस्तान जो हमारे आबाओ अजदाद ने एक गुलामी से आज़ादी के लिए हासिल किया था उस मकसद पर हमने और हमारे लोगों ने जो पूरा उतरना था वो उतरे हैं या नहीं उतरे उसके बाद ये सोचे कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक जिन्होंने हमारे बाद में आज़ादी या हमारे साथ आज़ाद हैं वो आज कहाँ तो उस फहरिस्त में आपको पाकिस्तान सबसे पीछे नजर आएगा अच्छा पीछे भी नजर आएगा और अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि हमारी जो शोहरत है वो इन लफ्जों में कहा जाए कि बदनाम जमाना है अगर हम किसी मुल्क में सऊदी अरब में भी अगर पाकिस्तानी मौजूद है तो वो अब ये कानून साजी कर रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी को कैसे निकाला जाए आज यूएई जिसे बनाने में पाकिस्तानियों का हाथ था आज पूरी दुनिया में अगर किसी को वीजा नहीं मिल रहे हैं तो पाकिस्तानी इसी तरह से अगर हम बात करें कि आज दुनिया में बहुत कम ममालिक रह गए जो आईएमएफ के इस तरह के प्रोग्राम्स में फंसे हुए हैं जहां अपनी मर्जी से हम अपनी मईशत की पॉलिसीज नहीं बना सकते वो हमें डिक्टेट करते तो फिर हमें थोड़ा एहसास होगा कि बहसियत पाकिस्तानी हम कितने पीछे आए और अगर टैलेंट की बात करें तो आप कितने यहाँ लोग बैठे हैं सारे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं सब ने सीएसएस पास किया है आगे अपनी फील्ड में जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला भी चल ही रहा है पिछले 77 सालों से बहुत सारे ऑफिसर्स आए होंगे अपनी जॉब्स की होंगी फिर रिटायरमेंट पे चले गए और हम सभी कुछ ना कुछ जरूर बन गए कोई अच्छा डॉक्टर बना हुआ है कोई अच्छा इंजीनियर बना हुआ है आप अच्छे ऑफिसर हैं मैं कोई अच्छा सियासतदान बना हूं लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अच्छे पाकिस्तानी नहीं बन सकते और हमने अपने इस वतन के लिए अपने इस मुल्क के लिए कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे हम अपने मुल्क की नेकनामी कर सकें तो हम दो किस्म के मुश्किल का शिकार हैं एक माशी बहन और दूसरा माशरती बात कि हम दोनों का शिकार है हम आज अगर कुछ भी कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आज दुनिया हमें अच्छी नज़र से नहीं देख यानी सारी बातों को छोड़ें जैसे अफगानिस्तान को हमने चलना सिखाया बोलना सिखाया हमारे लोगों की पॉलिसीज बनाते थे आज हम कपास जो है वो वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान यानी वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं उनके यहाँ डॉलर जो है वो रेट फिक्स है हमारे यहाँ डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गए तो ये सारे इश्यूज
جو معاشی اور معاشرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر میں نے یہاں آ کر گورنر ہاؤس کا جو دروازہ تھا وہ عام عوام کے لیے کھولا, کیونکہ مجھے یہ احساس تھا کہ یہ 3.5-4 crore کا شہر ہے, صوبے میں 7 crore لوگ رہتے ہیں, اور اگر یہ دروازہ بھی بند رہے گا تو لوگ کہاں جائیں. اور دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے یہ بھی سوچا کہ آج جو بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے, انڈسٹریز نہیں لگ رہی ہیں ہمارے ملک میں, انرجی کرائسس ہے, تو کون سی فیلڈ کا انتخاب کیا جائے, چوز کیا جائے جو ان بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. تو ہم نے ان کو IT کے ایڈوانس کورسز, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, بلاک چین, وہ کورسز ویب ڈیزائننگ کے سکھائے تاکہ فری لانسر ہو کر ڈالرس کما سکے. اور آج ان میں سے ہزاروں بچے بچیاں کوئی $1200 کما رہا ہے, کوئی $800 کما رہا ہے. اچھا, ان سارے پروجیکٹس میں ہمارے کوئی 13 یا 14 انیشیٹیوز ہیں, جس میں فری بریک فاسٹ ہم بھجواتے ہیں اسکولوں کو, روزگار اسکیم ہے, سولر لوگوں کو لگوا کے دیتے ہیں, کسی کی موٹر بائک چوری ہو جائے تو FIR دیتا ہے, اس کو ری کنڈیشن موٹر بائک دیتے ہیں. اس میں 1 rupee اپنی گورنمنٹ کا لیں گے, نہ گورنر ہاؤس کا. تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور لوگوں کی مدد اور خود کر کے ہم نے لوگوں کو آج اس گورنر ہاؤس سے امید وابستہ ہو گئی, اس شہر میں رہنے والے اور اس صوبے میں رہنے والے. وہ کیا ہوئی کہ ہم جب گورنر ہاؤس جائیں گے اپنی پریشانی لے کے تو وہاں کوئی ہمیں سنے گا, کیونکہ دیکھیں 24 crore لوگوں کا ملک ہے اور ہم معاشی بحران میں پھنسے ہیں, معاشرتی بحران میں پھنسے ہیں, تو ان لوگوں کو امید کون دلائے. اگر ہر شخص ملک سے باہر جانا چاہے گا, کوئی یونیورسٹی سے جب میں مختلف کوالیفیکیشن سے جاتا ہوں تو جو بچے وہاں سے گریجویشن کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ملک سے باہر جانا ہے, تو اگر سارے چلے جائیں گے تو کون ملک چلائے گا. تو جو لوگوں کو امید, جسے میں کہہ رہا ہوں, وہ ہم نے دلانے کے لیے یہ سارے انیشیٹو.